दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड हम सभी को चाहिए। आजकल इंटरनेट का स्पीड बहुत ही स्लो मिल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर में बैठे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में सभी को स्पीड स्लो मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हम थोड़ा बहुत इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर आपके पास में आइडिया का सिम है, सभी प्रोवाइडर जो है आइडिया, वोडाफोन, जियो, सभी का स्पीड स्लो चल रहा है, लेकिन आज मैं आपके लिए आइडिया APN सेटिंग ला रहा हूँ। और ये अगर आपके पास में आइडिया का सिम है, और अगर आपके पास में नहीं है घर में, तो किसी ना किसी के पास में होगा ही, भाई बहन पापा मम्मी किसी ना किसी के पास में होगा, दोस्त के पास में। तो आप वीडियो देखने के बाद में वो सेटिंग अप्लाई कीजिए, आपको स्पीड अच्छा मिलेगा, 30% तक आपका स्पीड बढ़ने वाला है। साथ ही में अगर आपके पास में सैमसंग का A सीरीज़ का फ़ोन, A50, A50S हो, इन सभी में जो है कहीं ना कहीं नेटवर्क का इश्यू चलते रहता है, नेट का स्पीड इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो ये सेटिंग अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका नेट का स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा, और लॉकडाउन हो या फिर बाद में भी हो तो आपका स्पीड आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ओके। या फिर A70S उनमें भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सेटिंग अप्लाई कीजिए, आइडिया की APN सेटिंग है, बहुत ही अच्छी सेटिंग है। और यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपका स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 30-40 MBPS, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंक्रीज़ होगा 30%, जो कि ब्राउजिंग सर्फिंग के अंदर होगा, जो भी आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट्स होने वाले। चलिए देखते हैं कैसी है सेटिंग और क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सैमसंग का एक स्मार्टफोन आपके पास में, और कोई भी स्मार्टफोन होगा लेटेस्ट वाला, अगर उसमें आइडिया की सेम है तो आप ये APN सेटिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, कनेक्शन में, मोबाइल नेटवर्क में, उसके बाद में एक्सेस पॉइंट नेम में। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आपको नया APN सेट करना है, यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम। ऐड पर जाना है, नेम में आपको डालना है आइडिया 4G LTE नेटवर्क, ओके, आइडिया 4G LTE नेटवर्क, ओके। यह आ चुका है आइडिया 4G LTE नेटवर्क, ओके। यहाँ पे आपको APN में डालना है, यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम में डालना है आइडिया 4G LTE, ओके, आइडिया 4G LTE ओनली, बस यहाँ पे इतना डालना है, सेट कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे जाना है APN प्रोटोटाइप, ओके, IPv4 IPv6 करना है, APN प्रोटोकॉल, ओके, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल, ओके, इसमें भी आपको IPv4 IPv6 डालना है, ध्यान से रखिए, APN प्रोटोकॉल, APN टाइप पे कुछ नहीं करना है, APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल, सिर्फ 4 जगह आपको चेंजेस करना है, बस यहाँ से आपको इससे सेव करना है, बाहर निकल जाना है, फिर आपको जो आपने सेट किया है उसको आपको क्लिक करके यहाँ पे सेट कर लाना है APN को। उसके बाद में आपको बाहर निकलना है, फ़ोन को रिबूट कर लेना है एक बार, और आप जैसे ही फ़ोन को रिबूट करोगे उसके बाद में आपको जो है वो आपके फ़ोन को यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे YouTube की सर्फिंग फास्ट कर सकते हो, TikTok भी फास्ट चलेगा, साथ ही में आप जो ब्राउजिंग है वो भी जल्दी स्पीड से होगी, पेज जल्दी लोड हो जाएंगे, और जो आप जो YouTube के वीडियोज़ 144 पे देख रहे थे, यहाँ पे आप 360 या 480 पे आप देख सकते हो, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में आप देख पाओगे और बफरिंग और नहीं होगा। TikTok के वीडियोज़ भी जल्दी लोड होंगे, वो नहीं अटकेंगे, और ब्राउजिंग भी अच्छे से होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप डाउनलोडिंग करना चाहते हो तो डाउनलोडिंग में यहाँ पे आपको ये हेल्प नहीं करेगा APN, नहीं आप पबजी इसके ऊपर फाइन तरीके से खेल सकते हो, तो ना ही इसके अंदर आपको पिंग लो मिलेगी, यानी कि पबजी के अंदर ये काम नहीं करेगा। तो आप सिर्फ 3 चीज़ों में काम कर सकते हो, यानी कि आपको सिर्फ स्ट्रीमिंग करनी है तो यहाँ पे आपका स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ होगा 30% तक। इसे यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना बेनिफिट मिला है, और क्या आपके भी ये सेटिंग करने के बाद में आपके फ़ोन में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ या नहीं, और जल्दी से बताइएगा कि आपके फ़ोन में कितना इंप्रूवमेंट्स हुआ या नहीं। तो 100% वर्क करता है, तो आप एक बार करने के बाद में रिबूट करना, रिबूट करने के बाद ही इसे यूज़ करना। और आपको अगर और सेटिंग्स चाहिए APN की, जियो और वोडाफोन की, तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।